दोस्तों, नीतू कपूर के विचार प्रतिगामी इसलिए लगते हैं क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं कई बार बेईमानी को उचित सिद्ध किया है। इस बात को रेडियो मिर्ची वालों ने अपनी वेबसाइट पर एक्सपोज भी किया था और उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट की है कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को मैनिपुलेट किया था। और ऐसा वो तब करती थी जब उनको उनकी बेटी की कोई गर्लफ्रेंड पसंद नहीं आती थी। जैसे कि आप ये बात जान लीजिए जो कि उन्होंने एक अपने पुराने इंटरव्यू में कहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय, ये इंग्लिश में है, इसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। व्हाट डू यू मीन बाय इफ आई कैच हिम हैविंग एन अफेयर, आई हैव कैच हिम फ्लर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, आई ऑलवेज सीम टू बी द फर्स्ट टू हियर अबाउट हिज अफेयर्स ऑन आउटडोर लोकेशंस, बट आई नो दे आर जस्ट वन नाइट स्टैंड्स। टू ईयर एगो आई यूज टू फाइट विथ हिम अबाउट इट, बट नाउ मे बी बिकॉज आई हैव मैच्योर्ड, आई हैव लर्न टू बी डिफरेंट, आई हैव adapted the attitude of go ahead, let's see how long you will do it. I just say to him, I know about it, so let's forget about it. I know his family comes first, so why should I bother about his flings? They are just passing fancies. He is too dependent on me. He can never leave me. I feel that men should be given a certain amount of freedom. They are flirtatious by nature. One cannot bind them down. But if he were ever to have a very, ये याद रखना है आपको यहाँ पे, but if he were ever to have a very serious long standing affairs or get married again, I would throw him out of the house and say go live with her. अब उन्होंने इस पूरे कन्वर्सेशन में चीटिंग को लिटरली जस्टिफाई कर दिया है। मतलब उनके हस्बैंड उनके ऊपर चीट करते, शूटिंग्स के दौरान हीरोइंस के साथ अफेयर्स करते और उनका इंतजार करती घर पर हेल्पलेसली। मतलब ये तो क्लियर है कि नीतू जी ने खुद के लिए कभी उन दिनों स्टैंड नहीं लिया था। खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, मतलब जाने दो। और एक टाइम के बाद उनके उनके पति के जो अफेयर थे उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो ये सोचती रही कि वो उनकी पत्नी है और उन लड़कियों के लिए वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मतलब वो इस रिश्ते में इनसिक्योर थी और लंबे समय तक उनके डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को वो सहती रही क्योंकि उनको इस शादी को टिकाए रखना था। और जैसे जैसे समय बीतते गया उन्होंने खुद के लिए एक जस्टिफिकेशन भी बना लिया कि आदमी का ये नेचर होता है, प्रोटियस होना बाय नेचर होता है, तो अब क्या कर सकते हैं, तो उनको फिर फ्रीडम दे दो। लेकिन पति के साथ ऐसा रिश्ता बनने की वजह से उनका रिश्ता क्लोज हो गया बेटे के साथ, क्योंकि रणबीर कपूर कहीं ना कहीं उनको इमोशनली अपनी जिंदगी में सपोर्ट करता और इसी वजह से रणबीर कपूर की जिंदगी में जो उनकी लव लाइफ थी उसमें इंटरफेयर करने का उनको आसानी हो गया और उनकी सारी लेट बैक आइडियाज़ को उन्होंने यहाँ पर पुश कर दिया। और इस बारे में उन्होंने इंटरव्यू में भी बात की है कि जब रणबीर कपूर पहली बार किसी लड़की को डेट कर रहा था तो नीतू सिंह जानती थी कि वो लड़की रणबीर कपूर के लिए सही नहीं है, तो उन्होंने अपने बेटे को समझाने का ट्राई किया लेकिन वो रणबीर कपूर था, उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी। और तब नीतू सिंह ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इसके साथ अलग तरीके से टैकल करना पड़ेगा। मतलब अगर रणबीर कपूर की आगे से कोई गर्लफ्रेंड उनको पसंद ना आती तो सीधे डायरेक्टली वो उससे उस बारे में बात नहीं करती। इंस्टेड सी सेड्स, डोंट गेट सो सीरियस सो सून, मोर यू सी मोर यू लर्न अबाउट इट, सो मीट मेनी गर्ल्स एंड गो आउट विद देम बट डोंट कमिटेड। तो क्या ये सेम एडवाइस वो अपनी बेटी को भी देती कि ज्यादा से ज्यादा लड़कों को जाके मिलो कि गो आउट विद देम। अब हमारे भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं और सबका अपना अपना इनपुट होता है अपने रिश्ते में, तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि बच्चों की लाइफ में पेरेंट्स का कुछ भी इनपुट देना कि तुम क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन प्लेइंग माइंड गेम्स और पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट करना अपने बेटे की गर्लफ्रेंड्स को, ये कहीं ना कहीं गलत है। और दीपिका पादुकोण के साथ ये हो चुका है जब रणबीर कपूर दीपिका को डेट कर रहा था, उस वक्त नीतू कपूर, ऋषि कपूर इन दोनों को ही वो पसंद नहीं थी क्योंकि हमेशा ही उनका एक एटीट्यूड कैरी होता है क्योंकि वो कपूर खानदान है, वो सुपीरियर है, तो दीपिका उनकी फैमिली का पार्ट नहीं बन सकती, शी इज इन्फीरियर विद देम। इवन जब भी वो इंटरव्यूज में बात करते तो ऐसा लगता है कि वो उसको मॉक कर रहे हैं। इवन जब दीपिका और रणबीर सेपरेट हो गए तब नीतू सिंह का एक कॉमेंट आया था, देर वॉज समथिंग मिसिंग इन देयर रिलेशनशिप, देर वॉज समथिंग नॉट देयर, एवरीबडी हैज रिलेशनशिप्स एंड देम move on. If their relationship as a perfect, they wouldn't have breakup. रणबीर एज अ प्रोबेबली हिमसेल्फ नॉट इन द रिलेशनशिप। इवन जब रणबीर कपूर ने कटरीना कैफ को डेट करना शुरू किया तब भी ये सेम टू सेम पैटर्न देखने को मिला, उन्होंने कटरीना को भी अप्रूव नहीं किया, दे डिसलाइक हर। शेयरिंग अ हाउस विद अनदर गर्लफ्रेंड ऑफ हिज, हु, कटरीना, आई डोंट नो हर नेम, वन व्हिच आई नो, शी वाज आल्सो वन ऑफ देम, कटरीना कैफ। क्योंकि जब रणबीर और कटरीना डेट कर रहे थे तब सबको लगने लगा था कि अब ये शादी पक्का करेंगे क्योंकि वो दोनों साथ में रहने लगे थे, इवन उन्होंने अपना घर भी रेडी करना शुरू कर दिया था।
फिर एक बार कटरीना रणबीर कपूर की पूरी फैमिली के साथ लंच करते हुए देखी गई। तब उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ साफ बता रही थी कि वो कटरीना को आइसोलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। उनके फोटोज को ध्यान से देखा तो देखने को मिलता है, क्योंकि मीडिया तो वहां थी। अब वो कटरीना कैफ थी, इसके लिए रणबीर कपूर को लगा था कि उसकी फैमिली इसको जरूर अप्रूव करेगी, लेकिन उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया। तो अब लोग रणबीर कपूर को प्लेबॉय का टैग दे चुके थे। नीतू सिंह के इंटरव्यू से ये क्लियर होता है कि उन्होंने रणबीर कपूर को कहा था कि इट्स ओके टू डेट अ लॉट ऑफ वुमन, मतलब उनका अप्रूवल ही सब कुछ है, क्योंकि अब वो डायरेक्टली रणबीर कपूर से नाराज नहीं होती थी अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड उनको पसंद ना आए तो। मतलब जनरली ऐसे केसेस में ये लोग गिल्ट में डालते हैं या फिर सामने वाले के मन में ऐसे डाउट क्रिएट कर दिए जाते हैं कि शी इज नॉट अ राइट फॉर यू। और नीतू सिंह ने यह खुद बताया है कि रणबीर कपूर को वो कहती थी कि कमिटमेंट करने में जल्दबाजी मत करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रणबीर कपूर की लव लाइफ में जो भी कुछ हुआ वो नीतू सिंह की वजह से हुआ। रणबीर कपूर का रिलेशनशिप था, जिसके भी साथ था, जो गलतियां हुई वो खुद रणबीर कपूर की वजह से हुई, लेकिन रणबीर कपूर के उस बिहेवियर को नीतू सिंह ने इनकरेज किया था। अब पिछले साल नीतू सिंह ने अपनी स्टोरी में डाला था, जस्ट बिकॉज ही डेटेड यू फॉर 7 years इट डजंट मीन ही विल मैरी यू। माई अंकल स्टडीड मेडिसिन फॉर 6 years नाउ ही इज अ डीजे। अब इसे पढ़ते ही लोग समझ गए थे कि यह कटरीना के लिए टोंट है, और नीतू सिंह के मामले में यह सच भी हो सकता है, क्योंकि उनके इतने सारे इंटरव्यूज पढ़े देखे तो यह लगता है कि हाँ वो ऐसा कर सकती है। अब सोचने में जाओ तो ऐसा लगता है कि क्यों उन्होंने दीपिका को और कटरीना को डिसलाइक किया। तो आप उनके इंटरेक्शन देखना मीडिया के सामने कि वो कैसे दूसरे एक्टर्स को ट्रीट करते हैं। अगर ध्यान से देखा तो ये समझ में आ जाता है कि इनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उनका सरनेम कपूर है, कपूर खानदान है, वो खुद को रॉयल फील करते हैं क्योंकि वो सदियों से फिल्म इंडस्ट्री में है। इसी वजह से उनको लगता था कि ऐसे किसी को वो कपूर खानदान की अब बहू बनाए, उसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, उसकी फैमिली उतनी इन्फ्लुएंस हो। और अगर ध्यान से देखा तो सिर्फ आलिया ही एकलौती ऐसी है जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इस कैटेगरी में फिट बैठती है, क्योंकि आलिया के कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो फिल्म इंडस्ट्री से है, और शादी के वक्त तो उसका नेटवर्थ भी रणबीर कपूर से ज्यादा था। अब जब नीतू की ऋषि कपूर के साथ शादी हुई थी तब भी ऐसे आर्टिकल्स आते थे कि उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़े थे। एक आर्टिकल में उस वक्त छपा था कि कपूर खानदान पैट्रिकल है, अनसेड रूल था इनके परिवार में कि कोई भी लड़की शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी, और इसी वजह से नीतू सिंह ने एक्टिंग छोड़ दी थी। इवन जो फिल्में उन्होंने साइन की थी शादी से पहले, उनका साइनिंग अमाउंट तक उन्होंने रिटर्न कर दिया था जब ऋषि कपूर के साथ उनकी शादी हुई थी। और जो शादी से पहले फिल्में पेंडिंग थी उनको भी उन्होंने शादी से पहले ही निपटाने को डायरेक्टर्स को कहा था, क्योंकि शादी के बाद वो एक्टिंग नहीं करेगी। ऑब्वियसली अब यह बंद हो चुका है, क्योंकि आलिया की शादी हुई है रणबीर कपूर के साथ, कटरीना की नहीं हुई है। तो ओवर द ईयर ऐसे कई सारे स्टेटमेंट देखने को मिले थे नीतू सिंह के, जो वो ऐसे गलत चीजों को जस्टिफाई करते हुए नजर आई थी। अब फिल्म इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में अकेली नीतू सिंह नहीं है जो ऐसा एटीट्यूड कैरी करती है। जया बच्चन को भी लोग पसंद नहीं करते हैं उनकी रूड बिहेवियर की वजह से, जिस तरीके से इंटरेक्ट वो लोगों के साथ करती है, लेकिन जिस तरीके से भी वो लोगों को ट्रीट करती है उसमें वो कभी ये नहीं दिखाती है कि वो किस तरीके से लोगों के साथ माइंड गेम खेल रही है। अगर वो किसी को ना पसंद करती है तो वो क्लियरली दिखाती है, और इससे सामने वाला इंसान समझ भी जाता है कि वो हमें पसंद नहीं कर रही है। लेकिन जो लोग माइंड गेम खेलते हैं उनके साथ डील करना एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि उनके साथ कॉन्वर्जेशन के दौरान आपको सुपीरियर फील करवाया जाएगा, ऐसा कुछ करेंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन इसकी वजह से आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है। तो कटरीना की फैमिली को भी इसी वे से ट्रीट किया गया था। इस वजह से जब नीतू सिंह ने वो 7 year वाला स्टोरी डाला था तब कटरीना की मॉम ने भी ये पोस्ट डाला था, आई वॉज रेड्स टू स्ट्रीट जेनिटर With the same respect as the CEO. Maybe ये एक hint था कि कपूर्स फैमिली स्टेटस के अकॉर्डिंग लोगों को रिस्पेक्ट देता है। तो क्या लगता है आपको, क्या सचमुच दीपिका और कटरीना को आउट किया गया हो सकता है? लेकिन यहाँ रणबीर के प्यार का क्या हुआ, या जैसे उन्होंने सिखाया था कि जानते रहो सीखते रहो ऐसा रणबीर कर रहा था, या फिर रीजन कुछ और ही था नीतू सिंह के ऐसे बर्ताव सहने के पीछे जो ऋषि कपूर ने उनके साथ किया था? क्योंकि सोशल मीडिया पे ये कमेंट्स लोगों के फेवरेट है कि कोई भी वुमन हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ऐसे इंसान को वो छोड़ देगी हमेशा के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं छोड़ेगी। लेकिन नीतू सिंह को तो सिर्फ कपूर खानदान की बहू बने रहना था, और उनके समाज में मतलब फिल्म इंडस्ट्री में वो सही भी है ये साबित भी करना था, क्योंकि उनके पति के उसी फिल्म इंडस्ट्री में हंड्रेड्स ऑफ अफेयर्स थे, जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज में इस बात को साबित भी किया है। तो नीतू सिंह की ये सोच एक हीरोइन होने के बावजूद ऐसी क्यों थी? अगर इस बात को समझना चाहते हो तो नीतू सिंह का इतिहास आपको शॉर्ट में जानना होगा। उनकी कहानी से आपको ये पता भी चल जाएगा कि उनको अपने पति की अहमियत इतनी ज्यादा कैसे थी, उसका क्या रीजन था जो उन्होंने सब कुछ सहन किया। तो इस बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं नीतू सिंह की माँ और उनकी नानी के बारे में आपको बता देता हूँ, ताकि आपको समझने में और आसानी हो। एक परिवार में कई दशकों पहले एक बेटी का जन्म होता है, हरजीत कौर का। बचपन में ही हरजीत कौर के माता पिता का देहांत होने की वजह से चाचा चाची पर हरजीत कौर की जिम्मेदारी आ जाती है। चाचा चाची की नजर हरजीत के प्रॉपर्टी पर थी, पहले तो बच्ची पर जुम्म ढाए,
और फिर दिल्ली में किसी कोठे पर बच्ची की नीलामी कर दी और 18 साल की उम्र में वो बच्ची वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, उसको फिर से पकड़ लेते हैं और लखनऊ के किसी कोठे पर फिर से बेच देते हैं। वहां एक दलाल ने उनके साथ शादी कर ली, उन्हें एक बेटी हुई, उसका नाम रखा राजी। अब राजी जब 14 साल की हुई तो उसका भी वही काम होता जो उसकी माँ ने बचपन में शुरू किया था। लेकिन राजी को यह नहीं करना था, राजी को तो हीरोइन बनना था। लेकिन जब राजी ने यह बात घर में अपने माँ बाप से कही तो माँ बाप ने उसकी पिटाई कर दी। लेकिन जब 22 साल की हुई राजी तो राजी भी वहां से दिल्ली भाग गई। लेकिन राजी खुशकिस्मत थी, उसने मेहनत की, जॉब किया और वहां पर उसने दर्शन सिंह से शादी कर ली जो उसके साथ ही काम करता था। और एक साल बाद उनके घर पर एक बच्ची का जन्म होता है। उस बच्ची का नाम वो हरनीत कौर रखते हैं। हरनीत कौर अपनी माँ की तरह बेहद खूबसूरत थी। अब हरनीत कौर वही बच्ची है जो बड़ी होकर नीतू सिंह बने। लेकिन अब भी राजी की आंखों में वही सपना था हीरोइन बनने का। तो वो अपने पति और बच्ची को लेकर मुंबई आ जाती है। मुंबई आने के बाद इतना आसान नहीं था, उसने कई स्टूडियो के धक्के खाए लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिला, क्योंकि उम्र हो चुकी थी। वो बहुत जल्दी ये बात भी समझ गई कि अब उसको काम नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बच्ची को ही फिल्मों में लॉन्च करने का सोच लिया ताकि वो बेटी की और अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। और हरनीत कौर को राजश्री प्रोडक्शन के सूरज फिल्म में बहुत जल्दी काम भी मिल गया। तो हरनीत कौर ने अपनी माँ की और नानी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा था, जाना था। तो नॉर्मल जिंदगी में एक पति का मतलब वो बहुत अच्छे से जानती थी। और इसी वजह से जब उन्होंने ऋषि कपूर के साथ शादी की तो इस पवित्र बंधन से वो कभी बाहर नहीं आना चाहती थी। लेकिन चूंकि वो हीरोइन बन चुकी थी, अपनी जिंदगी में अपना पक्ष रख सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट करते हुए अपना पक्ष हमेशा रखा। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में अपनी दिल की बात की, क्योंकि पहले भी और अब भी उन्होंने अपनी जिंदगी में कड़वी सच्चाइयों को रूबरू देखा था। और इसी वजह से वो ऋषि कपूर की तरह ही किसी को अपनी बात कहने में झिझकती नहीं थी, बेझिझक अपनी दिल की बात सबको कह देती थी। जो आज भी कभी उनको मौका मिले तो वो ऐसी ही बात करती है, क्योंकि ये एक फीलिंग है जो हो सकता है सबकी अलग अलग हो, तो लेकिन जो हमारी फीलिंग है जैसे भी हो क्या हम शेयर ना करें। वैसे उस आर्टिकल में जो बात उन्होंने कही थी, अगर उसको इस तरीके से देखे तो एक बात समझ में आती है। उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि ऋषि कपूर किसी दूसरी से शादी नहीं कर लेते, जैसे कि कई स्टार्स ने की है, वैसे अगर ऋषि कपूर करते तो वो उन्हें घर से बाहर निकाल देती और उन्हें कहती कि जाओ उसी के साथ रहो। तो ऐसे ही नीतू सिंह के कई दूसरे विचार भी सही लगते तो है, बशर्ते पति ऋषि कपूर हो तो, ससुराल आपका कपूर खानदान हो तो। क्योंकि नीतू सिंह जब कपूर खानदान की बहू बनी थी तो ऋषि कपूर की सास मतलब नीतू कपूर की माँ ये बातें जानती थी कि कपूर खानदान कैसा है, कपूर खानदान के लोग कैसे हैं, राज कपूर कैसे हैं, जैसे कि उनके मतलब राज कपूर के अफेयर किस किस के साथ है, जो कि ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में उनके नाम लिए है, नरगिस राज कपूर हो या राज कपूर वैजयंती माला हो। यहाँ तक कि वैजयंती माला ने जब उनके साथ के अफेयर को फिल्म की पब्लिसिटी स्टंट कहा था, उस वक्त ऋषि कपूर उनके ऊपर भड़क गए थे। कहा था कि राज कपूर साहब के जाने के बाद अब इस रिश्ते को तरड़ मरोड़ कर पेश करने का आपको कोई हक नहीं बनता है। मतलब ये कि नीतू सिंह ये सारी बातें जानती थी और फिर भी वो कपूर खानदान की बहू बनने का डिसाइड करती है, तो क्या वो सब कुछ ये एक्सेप्ट कर लेती है? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा कोई नहीं करता है, कोई नहीं कर सकता। जबकि शादी के बाद नीतू सिंह की जिंदगी में उनकी खुशियां दुगनी हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे ऋषि कपूर का करियर अप्स एंड डाउन गोते खाते रहा, वो समहाउ नीतू सिंह को ही दोषी ठहराते। तब हो सकता है कि नीतू सिंह ने ये बात कही होगी कि जैसे करना है जो भी करना है करो, क्योंकि ऋषि कपूर की तरह बाकी कपूर खानदान के हीरो कुछ खास कर नहीं पा रहे थे, तो वो वैसा प्रेशर भी फील कर रहे होंगे। लेकिन नीतू का बात को इस तरीके से संभालने का नतीजा ये रहा कि मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि पुलिस में दर्ज हो गया और दोनों अलग रहने लगे थे। नीतू सिंह ने अपना सलून तक खोल दिया था ताकि वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को खुद ही फुलफिल कर सके। लेकिन नीतू सिंह हो या ऋषि कपूर हो, दोनों ही ऐसे थे कि एक दूसरे के बिना वो कभी अलग नहीं रह सकते थे। ऋषि कपूर ने माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि दोबारा डोमेस्टिक वायलेंस का हीटिंग हर सो मेनी टाइम्स वाला सीन नहीं दोहराएंगे और फिर वो दोनों साथ में रहने लगे, जो आखिर तक साथ ही रहे। अब बात करते बेटी रिधिमा कपूर की, जो करण के शो में गई थी, जो अपने को एक्ट्रेसेस के साथ थी। जी हाँ, अब बेटी ने भी डेब्यू कर लिया है, जो कि उन्होंने कहा था कि ऋषि कपूर तो आत्महत्या कर लेते अगर बेटी एक्टिंग उनकी करती तो। तो करण के शो में रिधिमा कपूर ने ये बात रिवील की थी कि मैंने शो के अंदर शालिनी को सॉरी कहा था शो के एंड में, लेकिन वो शो वालों ने दिखाया नहीं। अब वो ऐसा इसलिए कहती है बाद में क्योंकि उसको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट जानबूझ के वाइन गिराई थी, जो कि उन्होंने कहा भी था कि मैं तो जानबूझ के ही गिराने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि वो नेचुरल तरीके से गिर गई। ऊपर से ये कहा था कि इट्स ओके कुछ नहीं होता है, मतलब वो कौन होती है सॉरी बोलने के बजाय ऐसा प्रिटेंड करने वाली, जस्ट बिकॉज वो कपूर खानदान है। खैर कोई मैटर नहीं करता उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया, क्योंकि करीना करिश्मा ने उनके खानदान का ये रूल तोड़कर जमाना बेच चुका है, तो अब क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इतनी इनसिक्योरिटी जेलसी किसने सिखाया? तो चलो ये भी जाने देते हैं, क्योंकि नेचुरली आजकल इनसिक्योरिटी जेलसी सब में देखा जाता है। लेकिन रिधिमा का ये बिहेव अपनी कजन
कजन्स करीना करिश्मा के लिए भी है, जैसे कि करिश्मा का जो एक्स पति था उसकी तीसरी पत्नी की तारीफ करना, उसको सपोर्ट करना, क्योंकि सभी जानते हैं कि करिश्मा कपूर के लिए वो डिवोर्स कितना ज्यादा डिफिकल्ट था। तो क्या ऋषि कपूर का नीतू सिंह के साथ ऐसा बिहेव करना नीतू सिंह की वजह से ही था? क्योंकि कोई भी पत्नी अगर पति संजय दत्त भी हो तो उसे ठीक कर सकती है अगर वो ठान ले तो, जो उन्होंने ठीक करने के बजाय इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। और रणबीर कपूर को अलग अलग लड़कियों को डेट करने के लिए प्रोत्साहित करना किस हद तक सही है? आलिया भट्ट बनी कपूर खानदान की बहू, या फिर आप सोचते हो कि आपकी फेवरेट हीरोइन जो कपूर खानदान की बहू बनती तो अच्छा रहता, या उसके उलट आप ये सोचते हो कि वो बच गई? जो भी लगता है आपको इस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।